हेलो गाइस, वेलकम इन ट्री मैप इन्फोटेक। मैं मनीष कुमार, एक बार फिर से मैं अपने ट्री मैप इन्फोटेक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सीरीज में, आज ये जो मेरा जावा का सीरीज है, वो ये मेरा सेवेंथ सीरीज है, सेवेंथ चैप्टर है। और इस चैप्टर में मैं आप लोगों को सबसे पहले आज मैं नेटविंस यूज करने के लिए बताऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहले कि मेरे सारे वीडियोस जो भी मैंने जावा की प्रोग्रामिंग की है, वो मैं सीएमडी के थ्रू सारे प्रोग्राम्स को मैंने कंपाइल किया था। और आज के इस टॉपिक में, आज का जो मेरा ये वीडियो होगा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नेटविंस। नेटविंस यूज करेंगे और जितने भी आज के बाद के जितने भी प्रोग्रामिंग्स होंगे, जितने भी चैप्टर्स हम लेके आएंगे आप लोगों के साथ, उन सब में मैं नेटविंस यूज करने वाला हूँ। तो चलिए, मैं सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं नेटविंस के बारे में कि नेटविंस यूज कैसे करते हैं। मैं नेटविंस का जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है, वो मेरे प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है। वैसे मैं एक बार आपको गो थ्रू कर दूं कि नेटविंस इंस्टॉल करने के लिए आपको बेसिकली सबसे पहले जेडीके 8.7 या 8 इंस्टॉल कर लीजिए आप अपने सिस्टम में। एंड उसके बाद नेटविंस के सेटअप को नॉर्मल, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं बेसिकली, बस उसी तरह से आपको वो स्टेप्स फॉलो करके इंस्टॉल कर लेना होता है। और जब आपका नेटविंस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, तो ये देखिए मैंने अपने सिस्टम में नेटविंस ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, आज के टाइम में सबसे पहले हमें को बेसिक प्रोग्राम, मैं हेलो प्रिंट करके दिखा दूंगा। एंड उसके बाद जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा आज का टॉपिक था, मैं उसके बिहाफ पे आपको प्रोग्रामिंग करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नेटविंस के सीरीज में क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइल होता है, एडिट, व्यू, नेविगेशन। मैं इन सब के चीजों के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिकली जितनी मेरी अभी रिक्वायरमेंट होगी मैं बस सिर्फ उतने ऑप्शंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट लेना है। एंड न्यू प्रोजेक्ट में आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो जावा, क्योंकि अगर आप जावा वेब लेते हो तो जावा वेब एडवांस जावा के लिए होता है, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए होता है। तो अभी इससे कोई हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जावा सेलेक्ट करना है, जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है और यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, टुडे डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं ये अपने प्रोजेक्ट का हमने नाम दे दिया है। और यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट मेन क्लास, यानी कि ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट में एक मेन क्लास बना देगा, एक टुडे डेमो प्रोजेक्ट के नाम से एक क्लास बनाएगा। एंड उसके अंदर एक मेथड, मेन मेथड भी होगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहां से इसको अनचेक कर दूंगा। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट का लोकेशन, प्रोजेक्ट के लोकेशन में क्या है, सी ड्राइव के यूजर्स फोल्डर में, यूजर फोल्डर के अंदर डेल सिस्टम का यूजर नेम है। एंड डॉक्यूमेंट्स नेटविंस, बेसिकली मैं आपको बता दूं अपने सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स का जो डायरेक्टरी होता है, जो फोल्डर होता है, डॉक्यूमेंट्स में ही जब आप नेटविंस इंस्टॉल करते हो और फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तो नेटविंस के नाम से एक प्रोजेक्ट बन जाता है। मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये देखिए मेरा ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में यहाँ पे नेटविंस प्रोजेक्ट है। नेटविंस प्रोजेक्ट में मैं ओपन करूंगा तो ये मेरे सारे प्रोजेक्ट जो मैंने पहले से बनाया है, वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो इसी तरह से जैसे अलग अलग आप बारी बारी से प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको ये नेटविंस फोल्डर में दिख जाएगा। और ये नेटविंस फोल्डर बाय डिफॉल्ट बनता है कहाँ, डॉक्यूमेंट्स में। ओके, प्रोजेक्ट फोल्डर सेम वही है, इसमें हमें ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। अगर आप यहां से ब्राउज करके चाहें तो लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहां से कर देता हूं फिनिश। देखिए मेरा ये प्रोजेक्ट बन के आ गया। एंड ये मेरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, ये टुडे डेमो प्रोजेक्ट है। टुडे डेमो प्रोजेक्ट में मैं आपको थोड़ा, ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है, इस प्लस के आइकन पर जब क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ये सोर्स पैकेज है, सोर्स पैकेज पे जब क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट पैकेज आएगा और ये लाइब्रेरी होगा। तो लाइब्रेरी में अभी हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, लाइब्रेरी में मैं आपको दिखा दूं। देखो जो आपका सिस्टम में जो जेडीके यूज कर रहे हो, वो आपको बता रहा है कि आप कौन सा जेडीके करंटली यूज कर रहे हैं। तो मैं इसमें अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ मेरा सोर्स पैकेज। और इस पैकेज के अंदर मैं एक अपना क्लास बनाऊंगा। क्लास बनाने के लिए सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू के बाद आपको यहां से जावा क्लास लेना है। देखिए मैं अभी जावा पैकेजेस के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मेरे सीरीज के अकॉर्डिंग आप अभी बिगनर हैं, तो इस बिगनर है जब मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूं। मैं सिंपल, जैसे आप नोट पैड में एक फाइल कोड करने के बाद उसको डॉट जावा से सेव करते थे, यानी कि क्लास बनाते थे, मैं सिंपल उसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ यहाँ पे।
कि मैंने यहाँ पे मुझे क्या करना है, जावा क्लास सेलेक्ट करना है और क्लास का नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे हेलो, और हेलो यहां से मैंने कर दिया फिनिश। ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में देखो डिफॉल्ट पैकेज के अंदर ही यहाँ पे हेलो डॉट जावा के नाम से बन के आ गया है। देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जैसे क्लास का नेम बन गया, शॉर्ट में लिखना है तो PSVM लिख के आप टैब प्रेस करेंगे तो ये पूरा आपको लिख के आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे सिस्टम में, तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देखिए आ गया। और ये सब इन चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस वीडियोज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज आप एक बार वहां पे मैं गो थ्रू कर सकते हैं जाके। एंड यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट कितना इजीली SOUT लिख के टाइप प्रेस करेंगे तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरा लिख के आ जाएगा। और इसमें आपको कर दो हेलो जावा, हेलो जावा, चलिए। और मुझे यहाँ से कुछ नहीं करना है, सेव भी नहीं करना, आप सेव नहीं भी करेंगे तो चलेगा। राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से रन फाइल कर दीजिए तो ये क्या होगा, आपका क्लास जावा फाइल से क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कंपाइल होकर आपके सामने रन होकर आ जाएगा हेलो जावा। तो ये दोस्तों कितना इजी है। आप अगर CMD यूज करते हो तो पहले नोटपैड में एरर, सबसे पहले तो एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एंड उसके बाद आप पहले स्टेप्स में सेव करो, फिर आप CMD में जाके डायरेक्टरी में जाओ, डायरेक्टरी में जाने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करो, कंपाइल करने के बाद आप उसको रन करते हो। तो इतना यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ये परमानेंट अब आपको यहाँ से कट कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्रोजेक्ट में ये क्लास ऑलरेडी सेव्ड है। ओके, तो चलिए मैं अपने एक बार अपनी डायरेक्टरी में आपको दिखा देता हूँ ये प्रोजेक्ट कैसे बना है। तो मैं डॉक्यूमेंट में ओपन करूंगा, नेटबीन्स प्रोजेक्ट में मैं जाऊंगा और इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से देखिए मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ कि जो मेरा आज का प्रोजेक्ट है, आज का प्रोजेक्ट है मेरा टुडे डेमो प्रोजेक्ट, मैं इसको ओपन करूंगा। और ये देखिए SRC में बेसिकली सोर्स पैकेज यही है सोर्स, तो SRC को ओपन करेंगे और देखिए SRC के अंदर हेलो नाम का एक जावा क्लास फाइल है, हेलो जावा फाइल है, ये प्रोग्राम हमने वहां पे बनाया था अभी, और इसका क्लास फाइल भी बन गया होगा। क्लास फाइल चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्ड में मिलेगा आपको, बिल्ड में जाएंगे क्लासेस मिलेगा और क्लासेस के अंदर देखिए हेलो डॉट क्लास फाइल भी आपका बन के तैयार है जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो खुद ही मेंटेन कर लेता है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ये, और ये बहुत इजी है जिस यहाँ से यूज करके आप काफी टाइम सेव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके कोड में कोई भी एरर होगा तो वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेमी कॉलन रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये उसी टाइम ही अंडरलाइन कर दिया। लेकिन अगर आप नोटपैड पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको दिक्कत होगी, और इस तरह से नोटपैड में जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तब जाके पता चलता है कि आपने क्या गलती की है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कोड लिखेंगे उसी साथ साथ ये आपको बताता जाता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो। ये मेरा हेलो एक प्रोग्राम था, और इसी प्रोग्राम में मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज मैं इफ एल्स के बारे में बेसिकली बात करने वाला था कि इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट नम, नम एक वेरिएबल है और इस नम वेरिएबल में हमने पास कर दिया 120, यानी कि एक नंबर हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। और मैं इफ यूज करूंगा, इफ का ब्रैकेट ओपन किया। देखियो इफ क्या होता है, इफ का जो ये ब्लॉक है इसमें हम लोग ट्रू या फॉल्स दो में से एक वैल्यू होता है, यानी कि बुलियन टाइप का वैल्यू होता है। तो हम कुछ ऐसा ही बनाने वाले हैं, हम बेसिकली ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर नम को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर, बेसिकली हम ये चेक करेंगे कि नंबर जो नम वेरिएबल है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू इवन है या ऑड है। तो इसको हम क्या करेंगे, नम को डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड किया और इसका जो डबल इक्वल करने के बाद 0, यानी कि जब नम को 2 से डिवाइड करोगे और आपको इसका आउटपुट में 0 मिलता है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स ये क्या हुआ, ये नंबर इवेन है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इवेन नंबर। एल्स अगर आप एल्स नहीं भी देना चाहे तो इतना पे भी प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो आप, इस केस में क्या होगा आपको मिल गया इवेन नंबर। लेकिन अगर आप एल्स नहीं देते और मैं यहाँ से फिर से चेंज कर देता हूँ 1 to 1 कर देता हूँ, तब ये क्या हो गया, ऑड नंबर है। बट इसको रन करेंगे तो कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सिर्फ इफ के लिए मैसेज प्रिंट करवाया है, आपने सिर्फ ये किया है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको आउटपुट यानी कि एक मैसेज मिलेगा, कंडीशन फॉल्स है आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एल्स डिफाइन कर सकते हो और SOUT में कर दिया
हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि नंबर इज ऑड। अभी क्या है, अब आपको दोनों कंडीशन में आउटपुट मिल जाएगा कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तब भी आउटपुट मिलेगा, कंडीशन फॉल्स है तब भी आउटपुट मिलेगा। ये है एल्स का बेनिफिट। और ये मैंने इफ यूज किया, इफ का स्टेटमेंट, इफ का अगर स्टेटमेंट ये ट्रू है यानी कि इक्वल ना किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करने के बाद आउटपुट में हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है, तो ये क्या हुआ, इट मीन्स कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू है तो इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा उस केस में, उस केस में एल्स एग्जीक्यूट होगा। सिंपल वही है कि अगर आप पढ़ाई करोगे पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये लॉजिक है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इफ एल्स को एक्सप्लेन किया है। ये तो बेसिक था इफ और एल्स, सिंपल इफ, इफ भी कह सकते हो। अगर आप एल्स हटा देंगे तो इफ का ये होता है, इफ का बात मिल जाएगी। अगर आप एल्स भी यूज कर लेते हो तो इफ और एल्स दोनों कह सकते हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि इफ एल्स इफ इसको कैसे यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या किया है, इफ ये कंडीशन डिफाइन किया यहाँ पे। चलिए उसके लिए हम लोग एक नया प्रोग्राम ही बना लेते हैं कि मान लो हमने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया नम, और नम की जगह पे मैं दे देता हूँ मार्क्स। मार्क्स दिया और मार्क्स की वैल्यू है 1 to 1, नहीं चलिए मार्क्स की वैल्यू हम कर देते हैं 80। मान लो किसी यूजर, कोई स्टूडेंट्स आता है मेरे पास और वो अपना मार्क्स बताता है कि भाई मेरा मार्क्स 18 है, 18 मार्क्स है उसका, और मैं उस 18 के अकॉर्डिंग उसको मैं ग्रेडिंग करना चाहूँ कि वो 18 है तो कितना ग्रेड में, किस ग्रेड में मतलब आता है बंदा। ठीक है, तो चलिए मैं हम यहाँ पे इफ लगाते हैं, एक कंडीशन लिखूंगा मैं यहाँ पे, इफ एम ए आर केस इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल 80। इक्वल में हमने इसलिए लगाया है कि अगर 80 बंदे का, स्टूडेंट्स का मार्क्स 80 है तो तब भी क्या होना चाहिए, वो उसे ग्रेड मिलना चाहिए, यानी कि वो एक ही ग्रेड में आएगा। 80 से ग्रेटर देन विद 80, 80 के साथ साथ 80 से ऊपर जितने भी हैं उनको ए ग्रेड मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे दिया मार्क्स, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल 18 एंड मार्क्स इज लेस देन 100। मैं 100 को लेकर नहीं चल रहा हूँ, 99 तक जिसका मार्क्स है, 80 to 99 तक जिसका भी मार्क्स है, मैं इसको 90 to 99 भी कर सकता था लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर अभी मैं 80 to 100 कर रहा हूँ, आप 90 to 100 के सीरीज में भी आप इसको पूरा बना सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स इज लेस देन 100 ये है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक मैसेज दे दीजिए आउट डॉट प्रिंट एलन ए ए ग्रेड, ओके, एंड एल्स एल्स और इसके बाद जस्ट इफ दोबारा आप लगाइए, इसी को बोलते हैं इफ एल्स इफ। तो यहाँ पे दोबारा हम क्या करेंगे, मार्क्स अगेन, मार्क्स इज ग्रेटर देन, इस बार मैं ले लेता हूँ 60। अगर मार्क्स ग्रेटर 60 से ग्रेटर देन है एंड मार्क्स इज लेस देन 80, क्योंकि 80 से जो लेस देन होगा वो सब एक दूसरे मतलब बी ग्रेड में हम उसको लेके आ जाएंगे। और 80 इक्वल हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 80 वाले को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 80 से जो 80 के साथ 80 से ऊपर जो है उसको तो हमने क्या किया है, एक ग्रेड ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर उसका मार्क्स लेस देन ग्रेटर देन है, कितना ग्रेटर देन इक्वल 60 वाले को भी, ग्रेटर देन इक्वल 60 एंड मार्क्स इज लेस देन 80, तो आप इसके इसको आप ग्रेडिंग दे रहे हो बी ग्रेड, है ना, ये बी ग्रेड हो गया आपका। और बस यहाँ एल्स चला दीजिए, एल्स चलाने के बाद आउट डॉट प्रिंट एलन हम इसमें कर देते हैं फेल। इट मीन्स कि अगर आप 60 से नीचे किसी का 60 से बिलो किसी का भी मार्क्स है तो वो सब फेल में आ जाएंगे। हालांकि मेरा ऐसा कोई पर्पस है नहीं कि 60 वाले को मैं फेल कर दूं, बस मैं प्रोग्राम को थोड़ा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस सिर्फ आपको इफ एल्स इफ का यूजेस दिखाना चाह रहा हूँ और एक ही एक इफ ब्लॉक में मल्टीपल कंडीशन कैसे देते हैं, मैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे फेल कर दिया है। मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद हमें क्या मिलता है, ए ग्रेड। आप यहाँ पे एक बार देख लो 55, अब आपको क्या मिल रहा है, फेल, क्योंकि हमने ऐसा क्या किया यहाँ पे 50 से
अगर 60 से बिलो किसी का भी मार्क्स है तो वो फेल में आ जाएगा। तो ये था हमारा इफ, इसको बोलते हैं इफ एल्स इफ। ठीक है, तो हमने आज आपको बताया इफ के बारे में, इफ एल्स के बारे में और इफ एल्स इफ के बारे में। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट अपने वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि स्विच केस कैसे यूज करते हैं। अगर आपको इफ एल्स से कोई डाउट्स होता है तो प्लीज हमें दोबारा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस को आपके तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूं इफ एल्स इफ को।